आरा सदर प्रखंड के मोती टोला के ऐतिहासिक अखाड़ा के प्रांगण में बैठकर के 5 दिनों तक के लिए योग शिविर का अभ्यास करना, योग शिविर में भाग लेना हम सभी के पूर्वजों को भी यहाँ सम्मानित कर रहा है, गौरवान्वित कर रहा है और हम लोग ही अपने आप को स्वस्थ बना रहे हैं, पवित्र बना रहे हैं। तो आइए दुनिया के सबसे सर्वोच्च शीर्ष प्राणायाम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। और अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जिससे किन किन बीमारियों में हम लाभ ले सकते हैं उसको जानने के लिए, सीखने के लिए और आपको विधि पूर्वक जानकारी देने के लिए हमारे बीच में मंच आसीन है और मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ भाग ले रहे हैं पतंजलि योग समिति जिला भोजपुर के जिला के प्रभारी आदरणीय सुरेंद्र प्रसाद चौरसिया जी। तो आइए हम विधि पूर्वक उसके मैकेनिज्म को समझते हुए, उसके वैज्ञानिक तथ्यों को समझते हुए हम इस यात्रा में भाग लेंगे। दाहिने हाथ को ऊपर कीजिए, दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने नाक को बंद कीजिए और बाएं से लंबी गहरी सांस भरिए, फिर बाएं को बंद कीजिए मध्यमा और कनिष्क अंगुली से और दाहिने से सांस छोड़ दीजिए, फिर दाहिने से सांस भरिए और बाएं से छोड़ दीजिए। क्रम इसी तरह चलता रहेगा, बाएं से सांस लेंगे दाहिने छोड़ेंगे, दाहिने से लेंगे तो बाएं छोड़ेंगे। इसे कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने से बीपी नॉर्मल हो जाएगा, हार्ट की बीमारी खत्म हो जाएगी, कभी बाईपास सर्जरी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके शरीर के अंदर कहीं भी गांठ हो गया हो वो सारे गांठ अपने आप स्वतः टूट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। धमनियों में अवरोध जो है वो अवरोध खत्म हो जाएगा सिर्फ अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से। जब सांस लेंगे तो छाती में पूरा उभार होगा, जब सांस छोड़ेंगे तो छाती में संकुचन होगा। तो इसी क्रिया को हमें करना है, अगर सीखने के लिए 2 मिनट करेंगे, 5 मिनट करेंगे और फिर अपने घर पर इसे कम से कम 15 मिनट करेंगे। प्रतिदिन सीखने के बाद 15 मिनट, फिर किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी डॉक्टर के पास जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि डॉक्टर साहब हमारे छाती में दर्द हो रहा है, हमें बीपी बढ़ गया है, वो तमाम दवाओं से आप बच सकते हैं। अगर है तो धीरे धीरे हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा और जिनको नहीं है वो जीवन के अंतिम दिन तक रहते रहेंगे, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो ऐसे इसके लिए हमें करना है योग, जीवन में धारण करना है योग। ये आज का विधि नहीं है, ये अति प्राचीन विधि है, संतों के द्वारा, देवताओं के द्वारा इसके आदि गुरु को कहा जाता है शंकर जी। शंकर भगवान ही पहले गुरु हैं जिन्होंने योग करके सिखाया था और पार्वती जी को 84 लाख योग सिखाए थे। हम लोग तो आपको 10-12 ही सिखला रहे हैं लेकिन वो 84 लाख योग सिखलाए थे। तो उस परंपरा को आज हम लोग जैसे मंदिर में पूजा करने आते हैं तो क्या चाहते हैं, हम यही चाहते हैं कि हम निरोग रहे, हमारा परिवार निरोग रहे, सब स्वस्थ रहे, किसी चीज की कमी ना हो, यही तो इच्छा करते हैं ना। तो इस ईश्वर के द्वारा, उस भगवान के द्वारा दिया हुआ एक प्रसाद है प्राणायाम योग। अगर इसे कर लेंगे तो कभी बीमारी नहीं पड़ेंगे, आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा, खुद स्वस्थ रहेगा और उसके बाद तो जब स्वस्थ रहेंगे तो काम करेंगे, काम करेंगे तो धन आएगा, जब काम रोकेंगे तब तो धन की कमी होगी, या काम करेंगे तो धन की कमी तो होगी नहीं, तो धन भी आएगा, जन भी आएगा, पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। दवा में पैसा नहीं जाएगा तो घर में काम आएगा। इस तरह हमें अपने जीवन में 1 घंटा योग करना है तो करते रहिए अनुलोम विलोम। कहीं कहीं हमारे पैरों में सुनापन हो जाता है, थोड़ा सा चलने पर अकल हो जाता है, ये तमाम रोगों से बचने के लिए आपको करना है। क्योंकि जब रक्त का संचार नहीं होता तभी सुन होता है, झिनझिनी बढ़ता है, और रक्त अगर पूरा पूरा पहुंच जाए तो कभी पैर में, हाथ में झिनझिनी नहीं होगा। तो रक्त का प्रवाह सदा बना रहे, शरीर के अंदर ऊर्जा बनती रहे, तो उसके लिए करना है हमें सांसों की क्रिया अनुलोम विलोम
हक करके देखिए, यहाँ से जाने के बाद आप स्वतः आज अनुभव करेंगे कि आज जो किए हैं थोड़ा ही किए हैं, लेकिन थोड़ा का परिणाम कितना मिला, अगर पूरा करेंगे तो क्या होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। 5 दिन में ही आप लोग बता दीजिएगा, जितने लोग अभी बैठे हैं आप लोग 5 दिन आइए, 5वें दिन आप लोग